मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद के सिलसिले में कहा कि अगर इससे बेरोजगारी, पसमानदगी और गरीबी खत्म हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दिग्विजय सिंह ने एक निजी प्रोग्राम में भोपाल से पाना जाते वक्त दमवा में बीजेपी हुकूमत पर अहम मसलों से तवज्जो हटाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज जो मसले हैं हुकूमत उन पर क्यों तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के मध्य प्रदेश में लोगों पर होने वाले टेस्ट पर कहा कि इसमें प्रोटोकॉल पर अमल होना चाहिए, हुकूमत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर कोई बुरा असर हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। किसान तहरीक पर उन्होंने कहा कि किसान अपनी बुनियादी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं, बीजेपी को इस पर बातचीत करनी थी। इस कानून से बड़े लोगों और मल्टीनेशनल सतह के लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा, इसलिए किसान तहरीक कर रहे हैं। अगर कानून लाने से पहले ही हुकूमत किसानों से बात कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। दिग्विजय सिंह ने जमीनी इंतखाबात के नतायज के सिलसिले में कहा कि इलेक्शन के नतायज कांग्रेस की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, इस बात का भी जायजा लिया जा रहा। मुस्तकबिल में होने वाले इलाकाई बल्दियाती इंतखाबात में नौजवानों को मौका दिया जाएगा।